पावापुरी ओपी थाना क्षेत्र इलाके के चोरसुआ गांव से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बिहार शरीफ से नवादा की ओर जा रही बस यात्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी यात्री बस को अपने चपेट में ले ली। घटना के संबंध में बताया जाता है कि यात्री बस बिहार शरीफ से 50 से 60 यात्रियों को सवार कर नवादा की ओर जा रही थी, तभी चोरसुआ गाँव के समीप NH-20 पर चलती बस में अचानक आग लग गई। आग लगने से बस के अंदर यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन सभी यात्रियों ने सूझबूझ कर परिचय देते हुए बस से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बताते चले कि वही घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना पावापुरी ओपी थाना को दी गई। वहीं ओपी थाना अध्यक्ष खुद घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। फिलहाल दमकल की गाड़ी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। हालांकि बस के अंदर आग कैसे लगी, इसके कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। जिस यात्री बस में आग लगी है वह बस गोप ट्रांसपोर्ट का बताया जाता है। नीति सिंह के साथ नालंदा से राकेश की रिपोर्ट।